खुश रहें जी। आप सबका शुक्रिया वीडियो पे आने का। आज जो हम राग कर रहे हैं, ये राग है राग देवगंधारी। ठाट जो है इसकी, वो ठाट है इसकी बिलावल। जाति है इसकी औड़ब संपूर्ण। इसमें दोनों ही नी लग रहे हैं, दोनों ही धा लग रहे हैं। इसमें हम तीन ताल में भी आपको मैं बताऊंगा, तो मतलब छोटा सा नगमा, तो सरगम पलटा भी आप लोग बना सकते हैं। पहले आप लोग राग देखें। तो गाने का वक्त जो है वो सुबह का, जब सूरज निकलता है ना, उस वक्त का टाइम है इसका। सूरज निकल रहा हो फिर आप इस राग को गाएं। तो राग का वादी सुर माँ है, संवादी सुर इसका सा है। तो शुरू करते हैं हम राग इस तरह। सा रे मा प ध सा। और वो देखिए अभी सा नी ध प ध नी ध प प ध प म ग स रे म। ठीक है, ये इसकी पकड़ थी। पकड़ के बगैर जो राग होता है वो मतलब के पकड़ बहुत जरूरी है। ठीक है, राग की माँ से शुरू हो रही पकड़ इसकी। म प ध प म ग स रे म। देखिए जरा अभी जो मैंने बनाया है इसमें। कृपा करो हम पर खुदावन, कृपा करो हम पर खुदावन। खुश रहे जी। मैं जिस काबिल हूँ खुदा के फजल से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये राग देवगंधारी था, ठाठ इसकी बिलावल थी, वादी सुर इसका माँ था, संवादी सुर इसका सा था, जाति इसकी औड़ब संपूर्ण थी, और गाने का वक्त जो है जब सूरज निकल रहा हो फिर इसका टाइम है। मतलब कि सूरज जो 6 बजे निकल रहा तो 6 बजे का टाइम है, जे अगर तुहाडे इलाके च 7 बजे निकल रहा तो 7 बजे का टाइम, जे सुबह 5 बजे निकल रहा तो 5 बजे का टाइम। ठीक है, तो खुश रहो, वीडियो नूं अगे जरूर शेयर करियो।